वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम दिशा। तो मैं लेकर आई हूँ एक और ट्रैवल ब्लॉग, और हम आज जा रहे हैं श्रेयुलसर। ये जगह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेक है जहाँ पे हम अभी जाएंगे। फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। यार यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। यहाँ से स्टार्ट होगी पैदल जर्नी श्रेयुलसर लेक के लिए। एंड लुक एट दिस व्यू गाइस, और वो सामने दिख रहा है रघुपुरगढ़। Hey guys, so here's the journey started. Morning view. सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहे हैं, बिकॉज मैं सो करके उठी और वैसे ही चल दी। सो लेट्स गो। ये है कैंपिंग साइट, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं और कैंपिंग कर सकते हैं। मतलब दिसंबर जनवरी में मत आना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो हम यहाँ पे हैं अप्रैल मंथ में, तब भी यहाँ पे बहुत ठंड है। और ये रास्ता चलेगा लगातार शायद फॉर 6 किलोमीटर्स। हेलो लिटिल पिगी, कहाँ जा रही हो? लेक में जा रही है। ऐसे कौन चलता है यार, वैसे लेक में तो बहुत सारा पानी हो गया। ओके, रास्ते के बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे कैफे भी मिलेंगे, बट अभी तो ये सारे बंद है क्योंकि हम बहुत ज्यादा अर्ली निकल चुके हैं। तो आई थिंक ये आफ्टर 9 o'clock के बाद ही खुलते हैं, बट हमारे पास तो पूरा बैकअप है, चाय पानी ब्रेकफास्ट सब। आगे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, मतलब जंगल शायद खत्म हो रहा है। आज हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं है किलोमीटर्स का, पर आई गेस 5 किलोमीटर्स तो चल लिया है। अरे यार चलो मिलते हैं अब ऑन द साइट। लुक एट दिस मिनो ऑन द रॉक, पहाड़ी जिंदाबाद।
सारे कैफे बंद है, अभी एक खुला लग रहा है। मुझे लग रहा हमने करीब 5 किलोमीटर्स तो चल लिया है, अब 1 किलोमीटर और चलना है। ये टोटल ट्रैक आपका है 6 किलोमीटर्स। लुक एट दिस केव, मुझे लग रहा ये किसी ने घर बना लिया क्या है, क्या कैफे बना रखा है। जॉइंट रॉक रहे हैं, बूढ़ी नागिन की झील के दर्शन। वो देखो वेरोनिका कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, वो ऐसे लग रहा है उसमें डायमंड्स हैं। कोई बात नहीं मेरा ना, आराम से आओ। वेरोनिका जय माता दी, ये वहां पे क्या स्नो है तो सामने देखो, मेरे को स्नो लग रहा है। ये तो क्या टेंट है ये क्या, वहां सामने पत्थर के पास है स्नो है वेरोनिका, यहाँ पे अभी तक स्नो है अप्रैल मंथ में, अप्रैल लास्ट। वाह कितनी सुंदर लेक है, कितनी क्लीन है ना बेटे। ये है श्रेयल सर लेक, इतनी नीट एंड क्लीन। और ये है बूढ़ी नागिन तो एक प्लेग्राउंड लग रहा है रोने का। वेरोनिका वो तो देखो वो वाला माउंटेन, वाओ कितना सुंदर है। ओ लुक एट दिस व्यू वेरोनिका, कम अप कम अप। ये कौन सी वाली पहाड़ी है अंकल जी, ये कौन सी पहाड़ी है क्या? अच्छा मतलब इसमें ऊपर है ना पेड़ वगैरह कुछ नहीं है। एक लोकल नेम है इस पहाड़ी का, और वाह वेरी ब्यूटीफुल। मेरे अंकल को नमस्ते किया, नमस्ते किया उनको, करो नमस्ते अंकल जी, बोलो ना।
ओले नमस्ते जया करती है ये तो है ना। यहाँ ऊपर से स्लाइड कर रहे नीचे आप तो बता दो कुछ स्टोरी। ये नीचे झील वाली मंदिर है माता बूढ़ी नागिन का। अच्छा जी। पांडवों के टाइम का पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे आए थे वो। अच्छा। और बाकी जो झील है ये कुदरती झील है। अच्छा। मतलब गहरी होगी बहुत ज्यादा है ना, मतलब इसमें कोई अंदर जा नहीं सकता है। कोई नहीं जा सकता, इसका कोई अंत नहीं है। वैसे कोई गया ऐसे कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, मतलब ट्राई नहीं किया हो किसी ने, कोशिश ही नहीं की। कहते किसके अंदर भी माता का आवास है। अच्छा मंदिर है इसके अंदर माता। अच्छा। और एक वो कुछ चिड़िया वाली सुनी थी हमने कि वो यहाँ की सफाई करती है। सही है। चिड़िया दो बत्तख टाइप की चिड़िया दो। अच्छा। जो भी इसके अंदर तिनका गिरता है। अच्छा वो साफ। हाँ मतलब इतनी साफ रहती है हमेशा है ना। मैं भी ऐसे दो बार आ चुकी हूँ। पत्ते तो इसके अंदर ही जाने थे, तो जैसे पत्ते जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। ओके बाय। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा और आपको घुमाएंगे पहाड़ों में। एंड जस्ट गेट लॉस्ट इन द माउंटेन्स। बाय बाय।